सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्की वरिदा नफ्सिही वज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुबारक अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुम रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, होप एवरीवन इज फाइन। और आज की हमारी क्लास इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। आप सबने सूरह कद्र की तिलावत सुनी, तो बच्चों जो भी इस सूरह की तिलावत कर सकते हैं प्लीज रेज योर हैंड्स। उमर अहमद विखार जी बेटे, अस्सलाम वालेकुम। आप अनम्यूट कीजिए अपने आपको। अस्सलाम वालेकुम जी बेटे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر من ألف شهر نزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام إلى حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. نيكست هم जुनैरा महवीन जी बेटे, आप पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق. صدق الله العلي العظيم. तो बच्चों आज हम लोग इंशाल्लाह रोजे के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पिलर्स ऑफ इस्लाम पढ़ रहे थे ना, तो फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम क्या था? शहादा। सेकंड पिलर इज नमाज। और आज हम इंशाल्लाह रोजे के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो उससे पहले आप सबको पता है ना रोजा कब रखना चाहिए और किन किन लोगों पर फर्ज है, ये सब पता है ना बच्चों आप सभी को? अच्छा, साइमा टीचर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही क्या आप लोगों को? जी नजर आ रही है, देख सक रहे हैं ना? ठीक है, चलो जी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि आज हम बात करेंगे रोजे के बारे में। मैं तो समझती हूँ कि तमाम बच्चों को पता है रमजान का महीना और उसकी बरकतें, और हम जो उस महीने में जो एंजॉय करते हैं, अभी जो जैसा टीचर ने बताया कि रमजान के महीने में हम क्या है बहुत एंजॉय करते हैं, मजा करते हैं, बच्चों का बहुत फेवरेट मंथ होता है वो। तो हम देखेंगे कि रमजान का महीना क्या है, क्यों, और वो कुरान में भी और इस्लाम में भी उस महीने की इतनी अहमियत क्यों है, और उस महीने में हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि रमजान के बारे में देखेंगे, फिर रमजान का महीना इतना स्पेशल क्यों है, फिर रमजान के महीने में हम लोग क्या करते हैं। सबसे स्पेशल रमजान बोले कि हमारे जहन में क्या आता? क्या आता? रोजा, है ना।
कि अभी बच्चे मतलब जो छोटे बच्चे हैं वो तो नहीं रखते होंगे, लेकिन जो बच्चे थोड़ा बड़े हैं वो लोग भी रोज़ा रखते हैं, हमारे घर के बड़े भी रोज़ा रखते हैं, तो रोज़ा रखना क्यों ज़रूरी है, कितने दिन हमको रोज़ा रखना चाहिए, रोज़ा कैसे रखना चाहिए, वो आज हम इस सेशन में देखेंगे इंशाल्लाह। चलिए तो देखिए, रमज़ान क्या है, ये बहुत स्पेशल टाइम है मुसलमानों के लिए, पूरे वर्ल्ड, ऐसा नहीं है कि यहाँ के मुसलमानों के लिए ज़रूरी है, कहीं और के लिए ज़रूरी नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए है रमज़ान, आपके मेरे लिए नहीं है ये, सिर्फ तमाम मुसलमानों के लिए इंतहाई अहमियत वाला महीना है ये रमज़ान का महीना। और ये देखिए, हम अगर हिजरी कैलेंडर से अगर देखें तो ये 9th मंथ ऑफ हिजरी ईयर का है, जैसा कि पहला हम आए, मतलब हमने इससे पहले भी देखे शायद इस महीनों के बारे में, तमाम बच्चे वाकिफ़ हैं कि मुहर्रम पहला महीना, सबसे पहला जिससे हमारे इस्लामिक कैलेंडर का स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है, वो है मुहर्रम। मतलब मुहर्रम हमारा फर्स्ट मंथ है, जैसे जनवरी फरवरी में हम लोग जनवरी को बोलते हैं ना नया साल शुरू हुआ, न्यू ईयर रहता, तो उसी तरह मुहर्रम क्या है, हमारे इस्लामिक मंथ का पहला महीना है, वहाँ से हमारा न्यू ईयर शुरू होता है। तो सबसे पहला है मुहर्रम, फिर सफर, रबीउल अव्वल, रबीउस सानी, फिर जमादुल उला, जमादुस सानी, रजब, शाबान, और फिर आता है इसके बाद रमज़ान। देखिए ये मैं बता रही हूँ आपको अलग, ये है हमारा रमज़ान का महीना, ठीक है। तो अब देखिए कि रमज़ान इतना ज़रूरी क्यों है, रमज़ान के महीने को इतना इम्पोर्टेंस क्यों है कुरान में भी और इस्लाम में भी। तो ये देखिए कि सबसे ज़्यादा रमज़ान इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस महीने में कुरान मजीद नाजिल हुई। देखिए कुरान मजीद हमारे लिए कितनी अहम किताब है, कितनी ज़रूरी है, कुरान मजीद ही वो किताब है जिसमें हमको हमारे हक और बातिल का जो है क्या है फ़र्क, जिससे हमको वाज़ह हो जाता है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ हमको बताई है कुरान मजीद के ज़रिए। आज हमारे पास नबी है क्या कोई मौजूद? नहीं है। अब कोई नबी आने वाला है क्या? नहीं आने वाला है। तो हमारे पास जब कोई नबी मौजूद नहीं है, ना कोई नबी आगे आने वाला है, तो फिर हम अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किस में देखें, क्या सही है या क्या गलत है, हम किस तरह मालूम करेंगे? तो अल्लाह ताला ने उसके लिए हमारे पास क्या है, कुरान मजीद दी है। तो वो कुरान मजीद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कब उतारी गई? रमज़ान के महीने में। तो ये देखिए सूरह बकरा की आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला ने कहा है कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया है, जो इंसानों के लिए सरासर हिदायत है। मतलब ऐसी तालीमात है कुरान के अंदर, ऐसी बातें हैं जो जो सही और गलत का फर्क हमको क्या उससे वाज़े हो जाता। तो फिर रमज़ान में दूसरी अहम क्या बात होती है कि रमज़ान में जो है अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर रहमतें और बरकतें नाजिल कर, जो शैतान होता है, हम सुनते हैं ना शैतान हमको बहकाता, शैतान ऐसा कर रहा, शैतान ने बहका दिया, तो शैतान को अल्लाह ताला उस महीने में क्या कर देते, खैर कर देते। तो एक हदीस है अबू हुरैरा की जिसमें उस्ताद ने फरमाया, मैं आपको उसका मफहूम बताता हूँ कि रमज़ान ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह ताला क्या है, रहमत के दरवाजे खोल देते, द गेट्स ऑफ मर्सी जो है अल्लाह ताला वो खोल देते। रहमत के दरवाजे मतलब अल्लाह ताला बस नेकियां ही नेकियां मतलब हमको करने का मौका देते, और हम छोटी से छोटी नेकी करें तो भी अल्लाह ताला हमको उसका भरपूर अजर अदा करते, बड़ा चढ़ा के अजर अदा करते। फिर उस दिन उस वक्त क्या होता है कि जहन्नम के जो दरवाजे हैं अल्लाह ताला उसको बंद कर देते, मजोजा के दरवाजे क्या हो जाते, बंद हो जाते, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते, ठीक है। और क्या है रमज़ान का, अब ये देखिए, अब हम देखेंगे कि रमज़ान सबसे पहला देखिए हमने कि रमज़ान इतना स्पेशल क्यों है कि कुरान मजीद नाजिल हुआ रमज़ान में। फिर रमज़ान में अल्लाह ताला क्या है, रहमतों का बरकतों का नुजूल करता है, और फिर ये देखिए आप जन्नत के दरवाजे अल्लाह ताला खोल देते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर देते हैं। और फिर अब इसके बाद है रमज़ान स्पेशल इसलिए है क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको रमज़ान में क्या हुक्म दिया, रोज़ा रखने का हुक्म दिया। तो रोज़ा सब लोग जानते हैं कि रोज़ा किसे कहते हैं, कि हम अल्लाह ताला के लिए अपनी भूख प्यास क्या है मतलब सब बर्दाश्त करते हैं। तो ये भी देखिए सूरह बकरा में अल्लाह ताला फिर उसके बाद वही आयत में इसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि जो शख्स भी इस महीने को पाए उस पर लाजिम है कि वो इस महीने के पूरे रोज़े रखे। फिर उसके आगे है कि मतलब किसके लिए नहीं रखना है, किसके लिए रखना है, वो मैं बाद में बताऊँगी आपको। तो उसमें सबसे पहले ये है कि अल्लाह ताला ने इस महीने में रोज़े रखने का हुक्म दिया। मतलब पहले अल्लाह ताला ने बताया कि इस महीने कुरान नाजिल हुआ इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद हमको रोज़ा रखना कंपलसरी कर दिया अल्लाह ताला। मतलब ऐसे ऑफ डेज में भी हमारे पास घर में आप देखते होंगे कि आपके मम्मी भाई बहने अब्बू रोज़ा रखते हैं, तो कभी रखते हैं कोई कभी नहीं रखते, एक आध दिन रख लिए महीने में, एक आध बार रख लिए, फिर नहीं भी रखते। लेकिन रमज़ान के महीने में आप लोग देखेंगे कि हमारे
घर के हमारे मम्मी अब्बू बड़े भैया भाई दादी नानी दादा सब सब क्या करते हैं, रोजे रखते। अब आप लोगों के जहन में वो जो माहौल रहता ना वो आप अपने तसव्वुर करो, आप विजुअल आप अपने जहन में लाओ वो कि कितना प्यारा मौसम रहता है। देखो शहर के लिए सब उठते हैं, कितना अच्छा लगता है सर, सुबह सुबह सब सब फ्रेश फ्रेश होके जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट काम करते हैं, जल्दी जल्दी सहर करते हैं, फिर पूरा दिन हमारा इतना अच्छा गुजरता। रहमतों का नुजूल जो मैं आपको बोली वो इससे समझ सकते हैं आप कि देखो हम दिन भर ना कुछ भी काम नहीं करते, गलत कुछ भी करें तो अगर आप कुछ गलत काम करें तो आपके मम्मी आपके भाई बहन याद, अरे तुम रोजा है ना ऐसा कैसा कर सकते, या फिर देखो रमजान के महीने में ऐसा काम करते। तो हम लोग ये बातें ये कलाम क्या है जनरली सुनते रहते, कह रहे रमजान है ये मत कर, देखो रम तो ये हमको है ना अच्छे अच्छे काम करने का नेकियां कमाने का, एक तो अल्लाह ताला एक ट्रेनिंग का महीना रखे है तो हम ट्रेन बहुत अच्छा इसमें हो सकते, हम अच्छे अच्छे काम करके अपने आप अपने बॉडी को ट्रेन कर सकते, अपने माइंड को सेट कर सकते कि हमको नेक काम करना है। तो फिर है ना ये रहमतों वाला, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हमको रोजा रखने का हर किसी को कंपलसरी कर दिया है कि रमजान के महीने में सबको रोजा रखना है, एक्सेप्शनल कुछ केसेस है कि मतलब एक्सेप्शन कितने मतलब कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने परमिशन दी है कि ठीक है वो रोजा अगर नहीं रख सकते, अगर तो कौन है ऐसे लोग, तो कोई मरीज है मतलब कोई पेशेंट है कोई बीमार है, अब उन्हें रोजा रखे तो उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएंगी, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने एक्सक्यूज दिया। कोई सफर पे है, अब ऐसा सफर नहीं कि भाई हम कार में बैठ के यहाँ से यहाँ जा रहे तो रोजा नहीं रखे सर, पहले जमाने में सफर बहुत मुश्किल हुआ करते थे, ऊंट पर बैठकर वो लोग कई कई मील सफर करते थे गर्मी धूप तो। और अगर हमारा भी आज का सफर बहुत बड़ा है बहुत देर तवील सफर है बहुत लंबा है और हमको परेशानी हो सकती, तो अल्लाह ताला ने हमको छूट दिए है कि वो रोजा नहीं रख सकते, सफर है कोई बूढ़े है वो तबीयत खराब हो जा रही उनकी, या छोटे बच्चे, अब देखिए छोटे बच्चे आप में से अगर कोई है छोटे है उनको आपके मम्मी ने बताया कि नहीं बच्चों पे रोजा नहीं, तो बिल्कुल सही, छोटे बच्चों को रोजा अल्लाह ताला ने जरूरी नहीं किए, अगर कोई शौक से रखना चाहे एक दो रोजे तो ठीक है रख ले सकते। तो जैसे मैंने बड़ों के लिए बताया कि मरीज है या फिर उन्हें सफर पर है तो रोजा नहीं रखते, तो देखिए मगर 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 अल्लाह ताला ने इसके साथ उनको कंडीशन लगाया कि आपने जितने भी रोजे छोड़े आपको वो रोजा पूरे कंप्लीट करना पड़ेगा बाद में, अगर किसी के रोजे छूट गए तो छूट गए चलो जान दो आप बाद में जितने मिले कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा नहीं। अल्लाह ताला ने बोले आप बीमार है ना ठीक है आप रोजे मत रखिए, लेकिन जब आप अच्छे हो जाएंगी आपकी सेहत अच्छी हो जाएंगी तो फिर आपको वो तमाम रोजे कंप्लीट करना पड़ेगा, और आपका सफर खत्म हो गया आप कहीं पहुंच गए तो फिर आपको वो सारे रोजे कंप्लीट करना पड़ेंगे आपको, मतलब बच्चों के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, ये बड़ों के लिए है ये बात। और बच्चों के लिए क्या है, हम जब छोटे थे तो हमारे मम्मी हमारे बड़े भी हमको ये बात सिखाया करते थे बच्चों के लिए क्या है रोजा नहीं रखने का, अब हमको तो बहुत शौक होता रोजा रखने का, तो बच्चों को रोजा अगर रख सकते तो ठीक है आप रखिए रोजे पूरे नहीं तो थोड़े रखिए, लेकिन उनके लिए ज्यादा जरूरी है कि वो रोजेदार अपने अम्मी अब्बू भाई बहन दादा जो भी आपके दादा दादी घर में जो भी है आपको उनकी खिदमत करना है, ये इसके लिए आपको बहुत ज्यादा सवाब देंगे अल्लाह ताला इससे बहुत ज्यादा खुश होते जो बच्चे बड़ों की बात सुनते और खासतौर से कि बड़े रोजेदार हैं। मैं एक दो मिनट के लिए रुक रही हूँ, लगता है वहां अजान हो रही है तो थोड़ा सा पॉज किया है। जी जी जी, तो बच्चों हमारा जो एक्सपो हुआ था सीरतुन नबी के ऊपर, तो आप सभी को प्राइजेस मिल गए ना, पार्टिसिपेंट प्राइजेस भी और जो विनर्स थे उनके भी, तो मेरे पास कुछ पिक्चर्स है जिन जिन को भी प्राइजेस मिले हैं, इंशाल्लाह मैं अभी ये टॉपिक के बाद इंशाल्लाह उसे डिस्प्ले करूंगी तो आप लोग देख लीजिए, और अगर किसी को नहीं मिले हैं प्राइजेस जो पार्ट लिए थे और जो विनर्स थे तो प्लीज मैसेज करिए अपने ग्रुप में, इंशाल्लाह हम पहुंचा देंगे आप तक। तो ये टॉपिक के बाद इंशाल्लाह हम वो फोटोज दिखाएंगे जो हमारे पास आए हैं जो रिसीवर्स है जिन्होंने जिन्हें प्राइजेस मिल चुके हैं इंशाल्लाह।
हाँ बच्चों, यहाँ पर अजान हो रही थी, मैं इसलिए 2 मिनट के लिए, तो मैंने मैं ये कह रही थी कि हम छोटे बच्चों को चाहिए कि आप तमाम बच्चों को जो रोज़ा नहीं रख रहे हैं या रोज़ा रख रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए है कि वो नमाज़ों की पाबंदी करें और उसके बाद अपने घर के जो बड़े हैं उनकी फरमाबरदारी करें, उनकी बात सुने। तो ये क्या है उसमें अल्लाह ताला, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखी, देखे अब हम फास्ट, यहाँ पर ब्लेसिंग्स की बात है कि ये हम रिसीव मैनी ब्लेसिंग, मतलब हम बहुत सारा सवाब क्या है हासिल कर सकते हैं। तो एक तो हम रोजे से भी सवाब हासिल कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि हम बड़ों की बात सुनकर और अल्लाह ताला को खुश करने वाले काम करके अल्लाह ताला का सवाब हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो रोजा रख सकते हैं उनको कंपल्सरी रोजा रखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए रोजा है क्या, फास्टिंग, फास्टिंग हम जब से बोल रहे हैं कि तो रोजा है क्या, रोजा देखिए तो सब आप रोजा है क्या मैं पूछी तो आपके जहन में सवाल जवाब आ गया कि हमको भूखे प्यासे, मतलब हम रोजा, मतलब हमारे जहन में आता कि हमको कुछ भी खाना नहीं है और कुछ भी पीना नहीं है, तो हम अल्लाह ताला के लिए अपना खाना पीना सब छोड़ देते। लेकिन ये पूरा कंप्लीट आंसर नहीं है, खाली खाना पीना छोड़ना अल्लाह ताला के लिए ये रोजा नहीं है, बल्कि रोजा क्या है, रोज़ा यह है कि हमको अपनी बुरी बातों से, बुरे कामों से और गलत आदतों से और छोटे छोटे जो गुनाह हम लोग करते हैं, बड़े छोटे जो भी गुनाह, उनसे हमको रुकना है, गलत कामों से हमको रुकना है। इस रुकने का नाम भी क्या है, रोज़ा है। तो खाना पीने से तो रुकना ही रुकना है, ये तो बेसिक ठीक है, हमको तो खाना पीना भी अल्लाह ताला ने हमको क्यों रोका है, अल्लाह ताला को मतलब, यहाँ पर देखिए हदीस है नीचे के उसका भी मफहूम मैं आपको समझा देती हूँ कि अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई अपने गलत कामों से नहीं रुकना, मतलब वो खाना पीना छोड़ दे रहा लेकिन उसके गंदी बातें मुँह से निकालना, गाली गलोच करना, अपने पेरेंट्स को पलटा के जवाब देना, बड़े भाई से, छोटे बहनों से, किसी से भी लड़ना, ये सारी बातें अगर उसकी कम नहीं हो रहे और खाली खाना नहीं खा रहे और पीना पानी नहीं पी रहे और सब काम कर रहे, सब गलत गलत काम कर रहे, तो अल्लाह ताला को ऐसे खाने पीने से रुकने की या फिर ऐसा भूखा प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं, मतलब अल्लाह ताला को नहीं चाहिए ऐसा रोजा। अपन बोलते हैं ना कुछ कंडीशन रखे, ऐसा करो तो ऐसा होता, तो नहीं हमको नहीं चाहिए ऐसा 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 गिफ्ट आपसे, तो अल्लाह ताला को मतलब अगर मतलब हमको जो चाहिए वो मतलब जो एक्सपेक्ट कर रहे वो होना है, तो अल्लाह ताला हमसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम नेक बने, हम अच्छे बच्चे बने, हम अच्छे इंसान बने, तो हमारे अंदर से जो बुराइयां हैं वो निकल जाए, सबसे लड़ना झगड़ना, गंदी बातें करना, बैक बाइटिंग करना, किसी की भी गइबत करना, चुगली करना, या बड़ों से नाफरमानी करना, बदतमीजी करना, तो ये सब बातें अगर किसी इंसान से नहीं छूट रही और फिर वो खाना पीना छोड़ के रोजा रख रहा, तो अल्लाह ताला को ऐसे रोजे की जरूरत नहीं है। तो ये सब बातों से रुकने का नाम ही रोजा है, सिर्फ खाना पीना नहीं, मतलब अगर रोजा बोलते जैसे जहन में हमारे भूख प्यास आती, तो उसके साथ साथ ये भी जहन में बिठा लें कि रोजा मतलब हमको झूठ से बचना है, हमको तमाम बुराई बुरी बातों से बचना है, हमको अपने जबान की, अपने आप की क्या है हिफाजत करना है, गलत कामों से अपने आप को रोकना है, फिर खाना और पीना से भी रोकना है, तो इन सब का नाम क्या होगा, रोजा होगा। तो फिर हमको रमजान के महीने में क्या है, रोजा, तो हमको कितने दिन तक रोजा रखना है और किस तरह का रोजा रखना है, तो वो देखिए कि मतलब पहले सुबह उठना रहता है कि सहरी, जैसा हमने मैंने बताई थी कि हम सुबह जल्दी जल्दी उठते हैं, सहर करते हैं, फिर उसके बाद मतलब एक वक्त रहता, मतलब अजान से थोड़ी देर पहले, मतलब तुलू आफ्ताब जब सूरज निकलने वाला होता है, तो उससे पहले पहले हम क्या करते हैं, अपनी सहर कंप्लीट कर लेते हैं, हमारा खाना कंप्लीट कर लेते हैं, फिर फजर अजान होती है, अजान को सुनना, फिर उसके बाद नमाज पढ़ना, उसके बाद कुरान पढ़ते और जो भी नेक काम है, मतलब कुरान और इसके अलावा जो भी हदीस या फिर जो भी अच्छी किताबें या फिर जो नेक काम है, हम दिन भर उसके बाद करते रहते हैं, मतलब हमारा रोज़ा यहाँ पर से शुरू हो गया, जैसा ही हमने सहर किए, नमाज पढ़ ली, उसके बाद हमारा रोज़ा शुरू हो गया, फिर दिन भर हमने अच्छे अच्छे काम किए, नमाज किए, पढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा जो काम करना है वो है नमाज के बाद कुरान। क्यों कुरान ज़्यादा पढ़ना है, मैंने बताई थी कि कुरान का महीना है, कुरान इस महीने में नाजिल हुआ, उस कसरत से हमको क्या है, तिलावत करना है। अब मैं आपको बोल रही हूँ तो आपके जहन में आ रहा ही होगा कि कितना प्यारा मतलब माहौल रहता, देखिए सब अपने घर में छोटी छोटी बच्चियां जो है वो स्कार्फ पहन के सब कुरान पढ़ते रहते हैं, घर में जेंट्स अलग कुरान पढ़ते रहते हैं, छोटे छोटे कुरान लेके हर कोई इधर उधर बैठे हुआ रहता, कि सबको जल्दी रहती कि मेरी कुरान कंप्लीट हो जाए, मेरे इतने पारे कंप्लीट हो जाए, हम एक टास्क दे देते अपने आप को कि अभी मुझे इतने पारे बाकी है, मुझे इतना पढ़ना है, तो सबकी क्या ख्वाहिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़े हो।
फिर उसके बाद हम मगरिब का वक्त होता तो फिर हम सबके क्या करते इफ्तार के लिए बैठ जाते। तो ये जो मैं माहौल बोल रही हूँ वो किसी एक घर का नहीं है, देखिए जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, सबके घर का तकरीबन यही माहौल रहता, कितना प्यारा माहौल रहता। इफ्तार से पहले हमारे मम्मी सारी तैयारियां करती हैं, हमारी दीदी आपी सब चीजें बनाती है, फिर हम दस्तरखान बिछा कर सब एक साथ बैठते हैं। किसी के घर में ऐसा नहीं होता कि इफ्तार के टाइम पे सब इधर उधर बैठे, कोई अपने कमरे में खा ले रहा, कोई अपने कमरे में खा ले रहा, नहीं, हम लोगों को एक माहौल बनता है, हम सब एक साथ बैठकर इज्तिमाईयत से बैठते हैं, आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ता है, फिर हम सब बैठकर खाना खाते हैं, इफ्तार करते हैं, अपना रोजा खोलते हैं, फिर उसके बाद अच्छी यम्मी यम्मी डिशेस हम लोग खाते हैं, सब बच्चे खाते हैं ना रमजान के महीने में। तो फिर उसके बाद इशा का, इशा की नमाज, फिर उसके बाद एक और नमाज का अहतमाम किया जाता है रमजान में, वो है एक एक्स्ट्रा नमाज, वो है तरावी, है ना। हम लोग तरावी के लिए बच्चे जो होते हैं वो अपने अब्बू के साथ तरावी के लिए जाते हैं, बच्चियां जो है घर में वालदा वालदा के साथ अदा करती हैं। तो फिर उसमें भी क्या है, ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ा जाता है, और बोलने का मतलब ये कि कुरान पढ़ने का बहुत ज्यादा अहतमाम किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमको कितने टाइम तक रोजा रखना पड़ेगा, कितने दिन तक रोजा रखते हैं, तो हम क्या करते हैं रमजान का पूरा महीना क्या है रोजा रखते हैं, तो 29 या 30 दिन जो भी हो हम रोजा रखते हैं। कि तो हम लोग किस तरह फॉलो करते हैं कि हमको रोजा रखना कब बंद करना है, कब स्टार्ट करना है, तो वो हम लोग कैलेंडर देख के थोड़ी कैलेंडर देख के करते हैं क्या, नहीं, हम लोग क्या करते हैं चांद देखकर शुरू। देखिए रमजान से पहले अब वो मंजर भी आप जहन में लाइए कि हमारे पास रमजान शुरू होने वाला है, तो अब देखते कि चांद दिखा नहीं दिखा, किसी को दिखा किसी को नहीं दिखा, तो बड़ी तजस्सुस होती है, भाई मुझे क्यों नहीं दिखा चांद, भाई आपको चांद दिख गया मुझे तो नहीं दिखा, फिर आप एक दूसरे को बताते अरे वहां देखो ऊपर देखो नीचे देखो, इस तरह का काम हम तजस्सुस के साथ आसमान की तरफ देखते हैं कि हमको भी चांद नजर आए। और सबसे ज्यादा ख्वाहिश मुझे तो बचपन में बड़ी ख्वाहिश थी कि सबसे पहले चांद मुझे नजर आए, और सब बच्चे की यही ख्वाहिश होती है कि चांद सबसे पहले भाई मुझे नजर आए। फिर इस तरह चांद देखकर हम क्या करते हैं रमजान की शुरुआत करते हैं, और चांद देखकर ही हम अपने रोजों का क्या रमजान का क्या अख्तिताम होता है, मतलब कि नया चांद। अच्छा ये चांद कैसा, तो चांद भाई फायद का ऐसा ख्याल है कि बताएं बच्चों के चांद किस तरह होता है। तो चांद जो है वो एक बहुत ही बारीक सा होता है, इसलिए तो नजर नहीं आता। तो जब जब दूसरा कोई महीना शुरू होता है तो उस वक्त का चांद बहुत बारीक होता है जो नजर नहीं आता है, फिर धीरे 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 क्या है वो बड़ा 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 हो जाता है, फिर 14-15 तारीख के जब मैं जैसा स्क्रीन में बता रही हूँ वैसा गोल चांद हमको नजर आता, फिर उसके बाद धीरे 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 कम होके फिर वो चांद गायब हो जाता, फिर दूसरे महीने का चांद हमको नजर आता, तो फिर रमजान खत्म हो जाता। कब, एक चांद देखकर हमने रमजान को शुरू किया, फिर पूरा महीना हमने रोजे रखे, और उसके पास दूसरा चांद देखकर वो चांद की तो बड़ी गड़बड़ होती है बच्चों को, है ना। एक रमजान शुरू खत्म होने के बाद 29 और 30वें रोजे के वक्त बच्चों को बहुत तजस्सुस होता है कि भाई चांद आज नजर आता है या नहीं आता देखना, क्योंकि उसके बाद एक सरप्राइज होता है बच्चों के लिए। तो फिर हम लोग क्या करते हैं रमजान चांद देखकर रमजान को खत्म कर देते हैं। फिर उसके बाद देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, मैं आपको यहाँ बताना भूल गई कि हम लोग रमजान में जकात भी देते हैं। अल्लाह ताला ने मतलब रोजा जितना जरूरी करार दिया है सब लोगों के लिए रोजा रखना, उसी तरह अल्लाह ताला ने कंपलसरी किया है कि हम जकात दें। जकात मतलब अब ज्यादा सोच डीप में जाने की जरूरत नहीं, इतना याद रखिए कि कुछ अपने जितना भी हमारे पास माल है पैसा है दौलत है उसका कुछ हिस्सा अल्लाह ताला ने हमको गरीबों में बांटने का देने के लिए हुक्म दिया है। तो हमारा इतना प्यारा मजहब है जो इस्लाम है वो कभी नहीं चाहता कि सिर्फ हम अपने आप में खुश रहें, और जो गरीब है जो मुस्तहिक रोज लोग हैं वो किस तरह अपना रमजान गुजारेंगे, वो किस तरह अपने रोजे को रोजों के दरमियान को जो जो चीजों की जरूरत होती है या फिर वो जो मुस्तहिक है किस तरह अपने दिनों को गुजारे, तो अल्लाह ताला ने उनका भी अरेंजमेंट यहाँ पर कर दिया कि हम सिर्फ ये महीना नहीं बल्कि वो पूरा साल भर उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, मतलब उसका यूज कर सकते हैं। तो हर किसी को अल्लाह ताला ने दे दिया 1% की वो उतना अमाउंट देना ही देना है गरीबों में मुस्तहिक में, अगर नहीं देंगे तो अल्लाह ताला फिर उनसे नाराज हो जाएंगे। तो उसको बोलते हैं ज़कात। तो ज़कात की शक्ल में कोई ज़कात जो है वो किसी भी शक्ल में, कोई अनाज की शक्ल में देते हैं, कोई कपड़ों की शक्ल में देते, कोई पैसों की शक्ल में, तो इस तरह जो मुस्तहिक है उनकी नीड्स जो उनकी जरूरियात है वो पूरी हो जाती। तो कितना अच्छा बैलेंस है, देखिए जिसके पास ज्यादा है तो अल्लाह ताला ने बोला कि उनको गरीबों को दे के क्या करे बैलेंस कर दो, तो सबके पास बराबर हो गया। और जिसके पास नहीं है अल्लाह ताला ने उनको भी बोले कि नहीं तुमको भी देना ही है, नहीं अल्लाह ताला ने बोले जिसके पास नहीं है उन्होंने नहीं दी,
जिसके पास है सिर्फ वही देंगे, तो उसको बोलते हैं ज़कात। फिर उसके बाद जब चांद नजर आ जाता है तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि चांद नजर आने के बाद नमाज, ईद के दूसरे दिन ईद होती है तो ईद की नमाज से पहले एक सदका, ज़कातुल फितर आ गया गलती से, सदकातुल फितर जो हमको एक सदका देना होता है, मतलब उसमें भी कुछ अमाउंट है, कुछ पैसा, सॉरी कुछ पैसा या फिर कुछ अनाज किसी भी शक्ल में है ना गरीबों को, वो भी मुस्तहिक उनको हमको देना होता है। बहुत बच्चे उन्हें देखे होंगे कि मतलब ईद का चांद नजर, जैसे ही ईद का चांद नजर आया रमज़ान ख़त्म होने के बाद, जैसे ही चांद नजर आया सब गड़बड़ करते कि अरे फितरा देना है, देखो किसका इतना इतना निकालना है, मतलब सब परसेंट काउंट करते देते रहते हैं, या फिर कोई पहले भी दे देते, मतलब पहले से निकाल के रखते, तो वो एक अलग माहौल होता है। तो हम सबको अल्लाह ताला ने सिखाया है, ये बात सिखाई है कि हम ईद की खुशियों में हमारे दूसरे भाई बहनों को भी शामिल करें, हमारे मुसलमान जो भी भाई बहने हैं उनकी भी ज़रूरतों का हम लोगों को ख्याल करना है। फिर उसके बाद जैसे ही चांद नजर आया सबके खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि नेक्स्ट डे क्या है, फिर ईद है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ईद उल फितर उस वक्त सेलिब्रेट करते हैं। तो समझ आ गया होगा, आई होप मैंने अच्छे से सिंपल वे में आप लोगों को रोजा और रमजान की अहमियत समझाने की कोशिश की है। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकअल्लाह खैर सैमा टीचर। तो ये तो थे हमारे 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक से कुछ अलग प्रोग्राम्स रखेंगे इंशाल्लाह। आप सब बच्चे जानते हैं ना ये आज कौन सी डेट है, 20th है, 21st है आज, 20th, ओके। तो और कितने दिन बचे हैं जनवरी आने के लिए? यस, और बस 10 दिन बचे हुए। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक का प्रोग्राम हमारा इसी पर रखेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे जो विनर्स थे, जो बच्चों ने प्राइजेस, जो पार्टिसिपेंट्स भी थे और जो विनर्स थे हमारे एक्सपो के, इंशाल्लाह हम उनके पिक्चर्स देखते हैं। ये देखिए बच्चों, ये कुछ पिक्चर्स है जिन्हें प्राइजेस मिल चुके हैं, और जिन्हें नहीं मिले हैं प्लीज़ आप हमें इन्फॉर्म करिए, इंशाल्लाह हम आपको सेंड कर देंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन, जिसे भी प्राइजेस मिल चुके हैं बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को, बहुत अच्छी कोशिश की थी आप सभी बच्चों ने। भाई हमारे लिए तो सभी विनर्स हैं, इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम पार्टिसिपेशन प्राइजेस भी देंगे बच्चों को। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप लोग प्राइजेस के साथ, बहुत ही खुश भी लग रहे हैं माशाल्लाह, बच्चे और पेरेंट्स दोनों भी खुश माशाल्लाह, तो हम भी खुश अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मुबारक आप सभी को। अल्लाह इसी तरह आप सभी बच्चों को कामयाब करे, आमीन। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं एक्टिविटी की तरफ, ओके। तो सब लोग रेडी है एक्टिविटी के लिए? सिद्रा टीचर जी, अस्सलाम वालेकुम, बच्चों को रहमतुल्लाहि बरकातुहु, मेरी आवाज क्लियर है ना? हाँ जी जी जी। तो चलिए बच्चों, इंशाल्लाह आज हम एक्टिविटी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हम लोग आज करेंगे। तो आप सब तैयार हैं? एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले, लास्ट वीक भी मैं आपको बताई थी कि आप लोग सब के पास एक पेपर और पेन होना चाहिए, अभी पेंसिल या पेन। आई होप आप सब रेडी है, और अपने वीडियोस भी आप लोग ऑन कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की एक्टिविटी। आज की एक्टिविटी इस तरह है कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है? आप लोग ज़रा गौर से सुन लीजिए कि ये एक्टिविटी को हम कैसे प्ले करने वाले हैं। आज मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी, आप वो क्वेश्चन गौर से सुनेंगे और उसका जो आंसर है वो आप बोलेंगे नहीं, मेरे को आंसर नहीं बोलेंगे, बल्कि वो आंसर जो है आप अपने पेपर पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है? समझ में आ गया ना आप लोगों को?
जो मैं क्वेश्चन आपको बोलूंगी आप उसका आंसर ड्रॉ करके दिखाएंगे, ना आंसर बोलेंगे ना लिखेंगे बल्कि उसको ड्रॉ करेंगे. ओके तो चलिए बच्चों, हम सब जानते हैं कि हमारी ये जो हमारी दुनिया है, जो हम अपने अतराफ देखते हैं सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें किसने बनाई हैं? हम सब जानते हैं ना कि वो किसने बनाई हैं? अल्लाह ताला ने बनाई हैं. ठीक है, ये सारी जो खूबसूरत चीज़ें हमारे अतराफ हैं वो सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं. तो यही चीज़ों को लेके आज हम एक एक्टिविटी खेलेंगे. तो मेरा फर्स्ट सवाल है, रेडी? आपको क्वेश्चन अच्छे से सुनना है, समझना है, और फिर उसको उसका जो आंसर है वो आप लोग अपने पेपर पे ड्रॉ करके स्क्रीन पे बताएंगे. ठीक है, तो देखेंगे कौन सबसे अच्छी नीट और कौन सबसे फास्ट और करेक्ट चीज़ ड्रॉ करेंगे. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ बनाई है जिससे हमको ऑक्सीजन मिलता है. वो कौन सी चीज़ है जो अल्लाह ताला ने बनाई है जिससे हमको ऑक्सीजन मिलता है? आपको नीट पेपर पे ड्रॉ करना है और वो स्क्रीन पे दिखाना है. देखेंगे कि कौन जल्दी और कौन नीट ड्राइंग करते. यस, नूहा, वानिया, सारा, वेरी गुड. जी हाँ, जक्रिया, वेरी गुड. जवेरिया, माशाल्लाह. तो अब आप सबको मालूम हो गया कि आंसर क्या है? ट्री है आंसर. चलिए, वेरी गुड ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ बनाई है जिससे हमको रोशनी मिलती है. रोशनी, जल्दी. रोशनी, यस, नूहा, वेरी गुड. हमदान सईद ने भी ड्रॉ किया है, उमर अहमद विखार ने भी ड्रॉ किया है. माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड. अच्छा चलिए, मैं थर्ड क्वेश्चन पूछूं. मोहम्मदी ने कलर भी किया है, सिद्रा. माशाल्लाह मोहम्मदी ने कलर भी किया है. जी हाँ, देख रही हूँ मैं स्क्रीन पे. माशाल्लाह, वेरी गुड. ठीक है, तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन के लिए तैयार है आप लोग? ओके. अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ बनाई है जो हमको सुबह सुबह जगाता है, हमको उठाता है. कौन है वो? सोचिए, जो हमको सुबह सुबह जगाता है. मैं हिंट दूँ? नहीं. जी बच्चों, यस, जवेरिया, माशाल्लाह, वेरी गुड. ओके, हादिया, हमदान, वेरी गुड. मदीहा महरोज, बहुत प्यारा उतारे. जी माशाल्लाह माशाल्लाह. चलिए, The answer is cuckoo-doodle-doo. Okay, very good. Next question. अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज बनाई है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं जब हमको बहुत प्यास लगती है. ये तो बहुत इजी हो गया. Yes, Hamdan, very good. Aiza and Arisha, yes, very good. MashaAllah, Hidaya. चलिए MashaAllah, सब अच्छी drawing कर रहे हैं और सब बहुत fast है. MashaAllah, बहुत अच्छी activity चल रही. चलिए, next question के लिए तैयार है? अल्लाह ताला ने एक ऐसा एनिमल बनाया है जो अपनी नोज से चीजें उठाता है, जो अपनी नाक से चीजें होल्ड करता है.
यू हैव टू ड्रॉ है इधर आपको ड्रॉ करना है वेरी गुड हादिया जी हफ्ता आपकी भी ड्रॉइंग समझ में आ रही वेरी गुड अशर वेरी गुड बहुत क्यूट सा एलिफेंट ड्रॉ करे आप हमदान आबिद अली का भी बहुत प्यारा जी, है जी हाँ? जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी ड्राइंग है माशाल्लाह वेरी गुड हमारा फातिमा का भी बहुत प्यारा है माशाल्लाह जी माशाल्लाह ओके बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज बनाई है जो हमको खुशबू देती है स्मेल कौन सी ऐसी चीज है जिससे हमको खुशबू मिलती है अच्छी वाली हफ्सा आफरीन करेक्ट यस माशाल्लाह वेरी गुड कॉमन नाउन बोलना है बेटे प्रॉपर नाउन नहीं कुछ लोग रोज बोल रहे हैं यस वेरी गुड माशाल्लाह सिर्फ फ्लावर काफी है आंसर वेरी गुड माशाल्लाह माशाल्लाह फ्लावर्स तो बिल्कुल हमारे बच्चों जैसे लग रहे हर स्क्रीन पे फ्लावर है हर स्क्रीन पे फ्लावर है माशाल्लाह माशाल्लाह ओके चलिए अल्लाह ताला ने एक ऐसा इंसेक्ट बनाया है जो हमारे वास्ते हनी बनाता ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है सिद्रा नहीं में बच्चों आपको नहीं मालूम आई डोंट नो द आंसर हां किसको किसको मालूम है इसका आंसर यस हादिया के पास से आ गया वेरी गुड मदीहा वेरी गुड अफरा तहूरा हाजिरा रुमैसा अब माशाल्लाह माशाल्लाह वेरी गुड बच्चे जी हाँ हमारा तो उसमें उसको कलर भी कर दिए ब्लैक अरे फायद भी फायद का भी देखिए माशाल्लाह ये तो उड़ती हुई हनी भी है फायद बताइए बेटा स्क्रीन पे माशाल्लाह माशाल्लाह सारा एंड सानिया की भी अरे कलर भी किया हमारा फातिमा ने तो माशाल्लाह वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों की ड्राइंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह हमारी टीचर की एक्टिविटी भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज बनाई है जिससे हमको बारिश मिलती है मदीहा महरोज ने बता दिया है समरा ने भी ड्रॉ कर ली समरा सारा सानिया ने भी बता दिया जुवेरिया मुहम्मदी हादिया फातिमा जुवेरिया मुहम्मदी जी जैना सिराजुद्दीन हफ्सा इकबाल ने भी बता दिया आबेद अली आयजा सिद्रा ये बच्चों की ड्राइंग या एक्टिविटी में इंटरेस्ट देख के मुझे एक आइडिया आ रहा है एक दिन ऐसा रखते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटीज ही रखते हैं बच्चों की ना आप बोलेंगे ना हम बोलेंगे कुछ पढ़ाएंगे नहीं बच्चों को इंशाल्लाह सिर्फ बच्चों से कुछ करवाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर हमदान ने भी बता दिया है खतीजा इफ्फत हानी मरियम माशाल्लाह माशाल्लाह जकरिया मुंह में पेंसिल नहीं लेते बेटे चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज बनाई है जिससे हमको पेपर मिलता है, जो पेपर आप लोग यूज कर रहे हैं ड्राइंग के लिए, वो हमको कहाँ से मिला? अबू बकर ने बताया है जी, मरियम फरीद, दाया फातिमा, यस ज़ैनब, वेरी गुड। बैम्बो ट्री किसी ने चैट बॉक्स में आंसर दिया है, बिल्कुल राइट। जोना नातनीस, इसका प्रोसेस अगर देखेंगे आप जैसे बनता है, आई एम टेलिंग यू बच्चों, आप एक पेपर वेस्ट नहीं करेंगे उसके बाद। तो कभी हुआ अगर इंटरनेट पे जाकर आप लोग देखिए कि कैसे पेपर बनता है, उसके बाद में आप लोग बहुत सोचेंगे हम पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत मेहनत से बनता है पेपर। अल्लाह ने एक ऐसी चीज बनाई है जो अपने लिए अपना खुद का घर बनाती है अपने बीक से, सॉरी बीक बोल दी तुम्हें और आसान हो गया। सिद्रा क्वेश्चन रिपीट करने के लिए बोल रहे। ओके, अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज बनाई है जो अपना घर बनाती है अपनी बीक से, बीक की हेल्प से। स्पाइडर इज एन इंसेक्ट, उसकी बीक नहीं होती है, बीक यानी चोंच, अपनी चोंच से जो अपना घर बनाती है वो कौन है? द आंसर इज यस यस यस, द आंसर इज बर्ड। माशाल्लाह, वुडपेकर किसी ने किया है, हमदान सईद ने। माशाल्लाह, हर बर्ड अपनी बीक से ही बनाती है बेटे, नॉट ओनली वुडपेकर। आंसर इज बर्ड, यस, माशाल्लाह, वेरी गुड। आयजा की ड्राइंग बहुत अच्छी है माशाल्लाह, लेट मी पिन द वीडियो, ये देखिए पैरेट की तरह बनाया है। किसी ने नेस्ट भी बनाया, अमारा ने नेस्ट भी बनाया है साथ में। हमारा लेट मी सी, हम पिन करके बताएंगे। हमारा शो मी योर ड्राइंग बेटा, हमारा आई कांट सी यू। हमारा फातिमा, हमारा फातिमा। ओके, तो बच्चों आप, आई होप कि आप लोगों को ये एक्टिविटी पसंद आई, और इंशाल्लाह हम आगे भी कुछ और ऐसी नई एक्टिविटीज़ के साथ आएंगे इंशाल्लाह। तो ठीक है बच्चों, जज़ाकअल्लाह, नेक्स्ट वीक मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके, हमारा फातिमा का यहाँ पर है नेक्स्ट, वेरी गुड माशाल्लाह। चलिए, तो ये थी आज की हमारे एक्टिविटीज माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी एक्टिविटी, और आप सब लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा, है ना बच्चों? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम सुनेंगे एक स्टोरी। तो लास्ट वीक हमने एक स्टोरी सुनी थी, एक बच्चा जो बहुत ही जो ईमान वाला था, जिसके फादर, ठीक है, वो भी हमें हमारे टीचर ही बता देंगे स्टोरी का बैकग्राउंड जो हमने लास्ट वीक सुनी थी, उसी स्टोरी को हम आज कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं सलमा टीचर को इनवाइट करती हूँ कि आकर वो अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बच्चों? तो देखिए साइमा आप नहीं थी पिछले हफ्ते, हमने बहुत प्यारी कहानी सुनी है। अच्छा, आपने कहानी सुनाई थी? हाँ, बहुत मजेदार कहानी थी, शहजादे तौहीद की कहानी थी। अच्छा, क्या आप सुनना चाहेंगी? जी जी बिल्कुल, लेकिन
पिछली दफा क्या हुआ वो तो आपको नहीं मालूम है, फिर कैसा क्या आप जानना चाहेंगी? जी जी बिल्कुल। यूं था कि बहुत दिनों पहले की बात थी, एक बादशाह था, हमारा तुम्हारा तो खुदा बादशाह है, लेकिन वो बादशाह जमीन का बादशाह था, बहुत ज्यादा घुमंडी था, अपने आप को खुदा मानता था, बहुत ज्यादा जुल्म करता था लोगों को, कहता था कि मैं ही एक खुदा हूँ, जो आसमान का खुदा है वो तुम्हारा खुदा नहीं है। लेकिन यूं हुआ कि बादशाह का जो एक लड़का था वो कहने लगा कि नहीं बादशाह तुम खुदा नहीं हो, तुम तो एक आम इंसान हो। शहजादे ने तो बिल्कुल सही कहा, वो बादशाह तो सिर्फ एक बादशाह होता है, लेकिन तमाम दुनिया का और आसमानों का बादशाह तो सिर्फ अल्लाह ताला है। बिल्कुल सही बात, सबका बादशाह तो अल्लाह ही बादशाह है। तो फिर बादशाह को गुस्सा आ गया, उसने यूं किया कि शहजादे को सजा दी, उसको जंगल में छोड़ दिया। फिर जंगल में छोड़ने के बाद यूं हुआ कि शहजादे की दोस्ती शेर से हो गई, क्योंकि उसने शेर के को जो पैर में कांटा चुभा था वो निकाल दिया था उसने। उसके बाद शहजादे की दोस्ती शेर से हो गई और शेर ने उसे शहर में छोड़ दिया। शेर से दोस्ती शहजादे ने शेर से दोस्ती कर ली? हाँ बिल्कुल, जो जानवरों पर दूसरे लोगों पर रहम करता है अल्लाह ताला भी उनके दिलों में उसके लिए रहम डाल देता है, तो अल्लाह ताला ने उसके दिल में डाल दिया शेर के दिल में रहम, और शेर उसका दोस्त बन गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि शहजादे ने हमदर्दी की थी, उसके पैर में से कांटा निकाल दिया था, तो शेर बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसको शहर में छोड़ दिया। फिर उसके बाद यूं हुआ कि बादशाह ने और उसको सजा दी, नदी में डूबने के लिए कहा, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको वहां से भी बचा दिया। फिर उसके बाद बादशाह और गुस्से में आ गया, उसने यूं किया कि भूखे शेर के आगे शहजादे को डाल दिया। लेकिन ये हुआ, देखो ना मजे की बात साइमा, वो जो 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 भूखा शेर था वो तो वही शेर था जिसका उसने कांटा निकाला था वो शहजादे ने। अच्छा, और वो तो उसका दोस्त भी था। हाँ वो तो उसका दोस्त भी निकला। फिर भूख वो जो शेर था वो शहजादे को नहीं खाया, अल्लाह ताला ने उसके दिल में डाल दिया कि शहजादे को नहीं खाना है, फिर और बच गया शहजादा। अब बादशाह को और ज्यादा गुस्सा आ गया, अब बादशाह ने सिपाही की बार ऐसी तरकीब से मारूंगा कि जिंदा ही नहीं बच सकता। वो हो अब तो वो क्या तरकीब थी आपको मालूम है? ये कुंभार के जो सिपाही थे शहजादे को पकड़ लिए और उन्होंने और बादशाह के सामने में सामने उसको पेश किया। अब बादशाह ने हुक्म दिया शहजादे को आग में झोंक दिया जाए और जला दिया जाए। अब सारे दरबारी डर के मारे कांपने लगे, बहुत परेशान हो गए। तो इसका मतलब ये है कि शहजादा इस दफा तो सचमुच में जल जाएगा और मर जाएगा। देखिए ना आगे क्या होता है। साइमा, ये जो जलाने का जो वाकया है, बादशाह ने जो जलाने के लिए कहा था, तो मुझे एक वाकया याद आ गया, एक नबी का वाकया याद आ गया। कौन से नबी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हाँ माशाल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी थे वो। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाया था, इस तरह शहजादे को भी शायद बचा ले। तो अब आगे ऐसा हुआ, तो अब शहजादे को जब उसने बाद उसके बाद एक वजीर हंसने लगा, और वजीर को हंसता हुआ देख के बादशाह ने कहा, ये क्या बदतमीजी है मेरे सामने, ये बेअदबी, बता तू क्यों हंसा? अब बड़े वजीर ने कहा, ऐ बादशाह, मैं ये सोचकर हंसा कि आखिर तू कैसा खुदा है, तेरा हुक्म बार बार टल जाता है, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि मौत और जिंदगी तेरे बस में नहीं है, तू तो दो बार शहजादे की जान लेने का इरादा कर चुका लेकिन शहजादा तो बच गया। अब बादशाह को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और वजीर फिर कहने लगा, ऐ बादशाह, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि खुदा तो सचमुच वो है जिसने ये दुनिया पैदा की और जिसके हुक्म पर दुनिया की हर चीज चल रही है, वही खुदा शहजादे की जान बचा रहा है, शायद तू इस बार भी शहजादे की जान ना ले सकेगा। अब बादशाह को बहुत ज्यादा गुस्सा आया वजीर की यह बात सुनकर। अब गुस्से के मारे उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, अच्छा तो ले तुझे भी शहजादे के साथ आग में झोंक दिया जाएगा, देखूं तो दोनों को कौन बचा सकता है, सिपाहियों जकड़ लो इसे और जंजीरों से बांध दो। अब दोनों को जंजीरों से बांध दिया गया। फिर ये वजीर की एक बेटी थी, उसका नाम था संजीदा खातून,
संजीदा खातून को ये बात मालूम हुई कि वजीर को और शहजादे को जेल में डाल दिया गया है। अब तो बहुत ज्यादा परेशान हुई। तब वो वजीर की बेटी थी। हाँ तो वजीर की बेटी थी वो तो अपने वालिद का सुनकर बहुत परेशान हो गई होगी। परेशान तो हुई लेकिन वो तो एक खुदा को मानने वाली थी। मालूम है ना बच्चों, जो अल्लाह ताला से डरते हैं वो किसी से नहीं डरते। तो वो संजीदा खातून कहने लगी, सच्ची बात तो यही है कि खुदा तो वही है जिसका हुक्म नहीं टलता और जिसके बस में मौत भी है और जिंदगी भी। अब संजीदा खातून ने एक तरकीब की। उसने ये किया कि जो लकड़ियां इकट्ठा करने वाले लोग हैं, लकड़हारा जो है, उससे बात की, उसको कान में एक तरकीब बताई, एक आइडिया बताई। फिर उसके बाद जो गड़ा खोदने वाले मजदूर हैं उनको भी बुलाकर एक बात की, कान में बात की, एक अपना एक तरकीब बताई उसको। और फिर यूं हुआ कि अब दूसरा दिन बहुत सभी लोग जमा हो गए जंगल में, एक बड़े मैदान में जमा हो गए। और उस मैदान में यूं हुआ कि बहुत बड़ा लकड़ी आवाज नहीं आ रही। सलमा सलमा हाँ जी अब आ रही। हाँ अब उसने, संजीदा खातून ने एक आइडिया की। उसने क्या किया बच्चों के, लकड़हारे को कहा कि लकड़ियां आप ऐसे आइडिये से लगाना कि दरमियान में बहुत ज्यादा जगह बाकी रह जाए, गोल आतराफ में लकड़ियां जमा हो जाए और उसके बीच में इतनी ज्यादा जगह हो कि देखने वालों को मालूम ना हो कि उन लकड़ियों के बीच में एक बड़ा गड़ा है। फिर उस गड़े में से उसने बड़ी सुरंग खुदवाई मजदूरों के जरिए से। आपको मालूम है ना सुरंग किसे कहते हैं? तो बहुत बड़ी सुरंग खुदवाई, वो सुरंग जंगल तक निकल जाती थी। अब संजीदा खातून सुरंग में बैठकर इंतजार करने लगी। अब क्या हुआ देखिए। एक मिनट जरा ठहरिए, मुझे ये बात एक बार और थोड़ा वजाहत के साथ बताएंगे कि किस तरह गड़े में से वो लोग शहजादे को निकालने की बात कर रहे हैं? अब देखिए ना, अब जैसे ही, अब आगे सुनिए। अब शहजादे को क्या किया गया, लकड़ी के ढेर पर बिठा दिया गया। फिर बादशाह ने कहा अब इस लकड़ी को आग लगा दी जाए, तो फौरन वो लकड़ियों को में आग लगा दी। अब आग के शोले भड़क रहे हैं और शहजादा है कि अल्लाह ताला को पुकार रहा है, अल्लाह ताला ए अल्लाह तू ही मुझे बचाने वाला है, तू ही इस मुसीबत से मुझे निकालने वाला है। अल्लाह जिस तरह तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को निकाला था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में से निकाल दिया था, मुझे भी निकालने वाला तू ही है। अल्लाह करे अल्लाह ताला उस शहजादे को बचा ले, क्या वो जल जाएगा? नहीं देखिए आगे देखेंगे, जो अल्लाह ताला को पुकारते हैं, जो अल्लाह को एक मानते हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद करते हैं। अब देखिए कैसी मदद आती है। फिर जैसे ही आग भड़कने लगी, शहजादे के करीब आने लगी वो आग। अब शहजादे करीब आने लगी तो शहजादे को करीब से एक आवाज आई, ए शहजादे कूद जाओ, इस गड़े में कूद जाओ। वो शहजादा क्या देखता है कि वो लकड़ियों के बीच में ऐसा बड़ा गड़ा है, वो गड़े में सुरंग है, सुरंग में से संजीदा खातून निकली है और उसने निकलकर शहजादे को खींच लिया। अब शहजादे को खींचकर सुरंग में लेकर आई और उस सुरंग में से अंदर अंदर जो रास्ता था उस रास्ते में से शहजादे को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया उसने। तो देखा प्यारा बच्चों, अल्लाह ताला ने किस तरह शहजादे को आग में से निकाल लिया। अब बादशाह को तो खबर ही नहीं है कि बादशाह समझ रहा है कि शहजादा तो आग में जल रहा है, उसको तो कुछ भी नहीं मालूम। तो अल्लाह ताला ने बादशाह की आंखों पर पर्दा डाल लिया। सब लोग समझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि अरे शहजादा और वजीर अब मर जाएंगे, अब जल गए वो। और बादशाह खुश है, हाँ देखो मैं हूँ खुदा, मैं मारने वाला, मैं जलाने वाला। लेकिन उस बेवकूफ को तो मालूम ही नहीं था कितना बेवकूफ बनाया गया उसको, अल्लाह ताला ने कैसा बेवकूफ बनाया उसे। तो जो दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला से जंग करते हैं, अल्लाह ताला को नहीं मानते, अल्लाह ताला भी उन अल्लाह ताला भी उनको बेवकूफ बनाता है दुनिया में। तो देखिए कैसा बादशाह कैसा बेवकूफ बन गया। अच्छा तो शहजादा बच निकला, इसका मतलब सही है, बात तो बिल्कुल सही है कि मारने वाला, जलाने वाला और किसी को जिंदगी और मौत देने वाला तो सिर्फ अल्लाह ही है।
आग में डालने के बावजूद अल्लाह ताला ने उसको बचा लिया। हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला से उसने दुआ मांगी थी और अल्लाह ताला ने उसको बचाने के लिए संजीदा खातून की सूरत में रास्ता बना लिया। तो संजीदा खातून की सूरत में अल्लाह ताला ने उसकी जान बचाने के लिए भेज दिया। तो बच्चों ऐसा होता है कि अल्लाह ताला बचाने वाले हैं हमको, अल्लाह ताला ही मारने वाले हैं, अल्लाह ताला ही जिंदगी देने वाले हैं, अल्लाह ताला ही मौत देने वाले हैं। लेकिन हमको उसके साथ साथ हमको मेहनत भी करना है, हमको कोशिश भी करना है। अब देखिए, बादशाह ने उसको जलाने का हुक्म दिया था, वो तो बेबस था शहजादा, कुछ नहीं कर सकता था। उसने दुआ की, कोशिश भी की, लेकिन संजीदा खातून ने कोशिश की। तो अगर वो चुप बैठ जाती तो मर जाता था शहजादा जलकर। तो हमको अल्लाह ताला की जात पर यकीन भी रखना है, उसके साथ साथ कोशिश भी करना है ना। जिस तरह आप इम्तिहानात, वरना आप ऐसा करेंगे इम्तिहानात में मुझे अच्छे मार्क्स लेना है, अल्लाह अल्लाह अब तू ही हमको मार्क्स देने वाला है, जा नमाज बिछा के नमाज पढ़ते पड़ गए, अब बस हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, आप फेल हो जाएंगे। दुआ भी करना है अल्लाह ताला से, फिर उसके साथ साथ आपको कड़ी मेहनत भी करना है, तभी आप एग्जाम में अच्छे नंबरात से पास हो सकेंगे। अब देखिए अब आगे क्या होता है। फिर उसके बाद वजीर, संजीदा खातून, शहजादा जंगल में चले गए। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, जब बादशाह को पता लगेगा कि इस बार भी शहजादा बच निकला तो उसकी तो बड़ी बेइज्जती होने वाली है। हाँ, देखिए ना अब क्या हो गया। अब यूं हुआ कि जैसे ही लोगों को मालूम हुआ कि शहजादा बच गया है, वजीर बच गया है, तो सारे बादशाह के जितने भी सिपाही थे, दरबारी थे, अब सब बादशाह पर गुस्सा होने लगे। सब कहने लगे, नहीं, ये तो इंसान है, आम इंसानों की तरह इंसान है, तू खुदा नहीं है, खुदा तो वही है जो शहजादे को बचाने वाला है, यानी जिसने संजीदा खातून को भेजा शहजादे को बचाने के लिए। अब सारे दरबारी बादशाह के खिलाफ हो गए। अब बादशाह हो गया परेशान, अब सब उसके खिलाफ हो गए, तो उसको कुछ भी नहीं कर सका वो। तो अब उसको आखिर में बादशाह को कबूल कर लेना पड़ा कि हाँ, एक ही अल्लाह की जात एक ही है। तो फिर देखो बच्चों, बादशाह ने क्या कहा। सचमुच ये मेरी भूल थी, अब मैं तौबा करता हूँ और मानता हूँ कि खुदा तो वही है जिसने हम सबको पैदा किया, हम सबको रोजी देता है, और जिसके हाथ में मौत भी है और जिंदगी भी। मैं सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैं भी इसका बंदा हूँ, मैं भी इसके हुक्मों पर चलूंगा। और ऐ साहिबों, सुन लो, अब मुझे बादशाह होने की हवस नहीं है, अब मैं अपनी बाकी जिंदगी खुदा की याद में बसर करूंगा। देखिए देखिए बच्चों, बादशाह अब वो बादशाह जो अपने आप को खुदा कहता था, शर्मिंदा हो गया, अल्लाह ताला से माफी मांगने लगा। और उसके बाद यूं हुआ कि उस बादशाह ने अपना ताज लेकर शहजादे के सर पर रख दिया और बाकी सारी जिंदगी अल्लाह ताला की याद में गुजर बसर करने लगा, और अल्लाह ताला को एक मानने में, लोगों को अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने में गुजारने लगा, और शहजादा जो था वो बादशाह बन गया। अरे वाह, तो शहजादे ने अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रखा और अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा किया और अपने ईमान को कमजोर नहीं होने दिया, तो अल्लाह ताला ने भी उसे कितना अच्छा इनाम दिया, उसे बादशाह बना दिया, उसको दुनिया के लोगों का, जमीन का बादशाह बनाया। अच्छा, तो सायमा ये बताइए, शहजादे तौहीद ये क्या नाम है? वो आपको, आपके जहन में सवाल चल रहा होगा, क्यों जी, नहीं जी, मैं तो वही सोच रही थी कि आपसे यही पूछूं कि भाई इस कहानी का नाम शहजादा तौहीद क्यों रखा गया। शहजादा तौहीद इसलिए रखा गया है क्योंकि वो जो शहजादा था वो एक अल्लाह को मानने वाला था। एक अल्लाह को मानना यानी वहदानियत कहा जाता है, उसे तौहीद कहा जाता है। एक अल्लाह, अल्लाह को एक जाना, एक मानना, उसी की इबादत करना, उसी के आगे सर झुकाना, उसको वहदानियत कहा जाता है, तौहीद कहा जाता है। इसलिए हमने लाड़ और प्यार से उस शहजादे का नाम शहजादे तौहीद रखा। तो बच्चों, आपने ये कहानी से क्या सीखा? फिर सायमा आप बताइए कि हमको क्या सबक मिला इस कहानी से। मुझे तो ऐसा लगता है बच्चों के जहन में यही आ रहा होगा कि हमें इस कहानी से सबक मिला कि हमें सबसे पहले तो अल्लाह ताला पर भरोसा होना चाहिए और हमें अल्लाह ताला के सिवा किसी को खुदा नहीं मानना चाहिए, किसी के आगे हमें अपना सर नहीं झुकाना चाहिए। और सबसे अहम सबक यहाँ मुझे ये लगा कि हमें अल्लाह ताला पर भरोसा करते हुए अपनी मेहनत को जारी रखना होगा। हमारे जिम्मे जो काम है, हमारे बस में जितना हो सके हमें वो तैयारी खुद से करनी होगी, उसी के बाद अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना बच्चों? आप यही सोच रहे हैं।
ना। चलिए फिर अब अगले हफ्ते के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकअल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी स्टोरी थी। हमारे चैट बॉक्स में भी बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि उन्हें यह स्टोरी बहुत पसंद आई, इसका मॉरल भी बहुत पसंद आया और स्पेशली इसका टाइटल बहुत पसंद आया, शहजादाए तौहीद। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों ये थी आज की हमारी स्टोरी। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम लोग एक स्पेशल प्रोग्राम रखने वाले हैं। अभी जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास अब 10 दिन बचे हुए हैं टू वेलकम आवर न्यू ईयर, तो वो वेलकम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो हमारे लिए न्यू ईयर है या नहीं है, और कुछ खास एक्टिविटीज के साथ इंशाल्लाह आज जैसी बहुत ही प्यारी एक्टिविटी आप लोगों ने की ना, उसी तरह से एक और एक्टिविटी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीक आपके सामने आएंगे। तो वी रिक्वेस्ट यू कि आप लोग अपने फ्रेंड्स, अपने कजिन्स, अपने जितने भी आपके सर्कल में जो भी बच्चे हैं, उन सभी को आप जो एंजॉय कर रहे हैं ये क्लासेस को, उन्हें भी एंजॉय करने का मौका दीजिए। तो इन्फॉर्म देम और ये लिंक शेयर करिए और ये क्लास ज्वाइन होने के लिए उनसे भी कहिए। तो नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह मिलेंगे फिर से एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ विद स्पेशल एक्टिविटी इंशाल्लाह। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बच्चों। चलिए मजलिस की दुआ पढ़ लेते हैं। पहले एक छोटी सी दुआ कर लेते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।